हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का साइंस का सेट 5 करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने 4 सेट अपलोड कर दिया और यह इसका अंतिम सेट है ऑब्जेक्टिव का, यानी पांचों सेट आप लोगों का कंप्लीट करा दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं पूरा मॉडल सेट का, आप लोग वहाँ जाकर सभी मॉडल सेट को देख सकते हो। तो प्लीज़ एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा इसके बाद अब सब्जेक्टिव का मॉडल सेट आएगा, तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोगों को पता चल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है। तो नेत्र गोलक की जो आकृति होती है ना, देखिए यहाँ पे गोलक लगा हुआ है, गोलक, गोलक से गोलाकार, गोलक से गोलाकार हो जाएगा। एकदम ट्रिकली याद करिए, एकदम शार्प तरीके से, ठीक है, ताकि आप लोग भूले ना एग्जाम में। अवतल लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा जो है निकट दृष्टि दोष को दूर कर दिया जाता है। किसके द्वारा? निकट दृष्टि दोष को। अगला सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है वह कूलम होता है। क्या होता है भैया? कूलम होता है। अगला सवाल देखो क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए कितना फोकस दूरी क्या होगी। मतलब इसमें सवाल ही मिस्टेक है, ठीक है, तो ये सवाल छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण कैसा होगा, यानी कैसा दर्पण होता है? वो समतल दर्पण होता है। कैसा होता है? समतल दर्पण होता है। किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो किसका होता है भैया? उत्तल दर्पण का होता है, तब तो उसको पथ से दृश्य में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हजामत बनाने वाले किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये समतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, सॉरी समतल नहीं होगा, हाँ हजामत वाले ना, ठीक, दाढ़ी बनाने में जो हम लोग उपयोग करते हैं तो वो भी समतल दर्पण होता है, या हमारा जो आईना होता है वो भी क्या होता है? समतल दर्पण ही होता है। ठीक है भैया, अब चलो अगले सवाल पर जाते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के बताओ कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर हो जाता है, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रभावित धारा का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगी। अगला सवाल देखो क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करती है उसको हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं, ऑप्शन B इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, विद्युत धारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो कौन हो जाता है अपघटित, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा AgCl। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, वह अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी कोई चीज़ अवशोषित होता है ना तो उसको शोषी बोलते हैं, उष्मा शोषी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वह विलयन क्या होगा? तो वह विलयन हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपको बताना है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है Na2CO3 हो जाता है। ओके, अगला सवाल देखो क्या है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय होती है। और अम्ल जलीय विलयन में, ठीक है, अम्ल जो होता है वो जलीय विलयन में, अगर यहाँ पे अधातु बोलता ना, अगर यहाँ पे अधातु बोलता तो वो क्या हो जाता? अम्लीय हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी ऐसे पूछेगा कभी वैसे पूछेगा। अम्ल जलीय विलयन में उत्पन्न करता है, जो अम्ल होता है ना वो जलीय विलयन में H+ आयन देगा। ठीक है, नेक्स्ट, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? भाई पारा पाया जाता है, और पारा का होता है हमारा HG, और HG यहाँ पर है नहीं, छोड़ दो इसको। चाकू से काटा जा सकता है, किसको हम काट सकते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटासियम। देखो ऐसे तो सबसे सॉलिड आंसर इसका सोडियम होगा, लेकिन यहाँ पर जो है इनमें से सभी टिक आउट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के जो मिश्र धातु होते हैं ना उसको हम लोग सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्डर बोलते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, निम्न में से अल्कोहल प्रयकरात्मक समूह का फॉर्मूला क्या है? तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ना वो हो जाएगा ये वाला OH-, यहाँ 2 जगह आंसर दे दिया है। ठीक है, लिख लेना, निम्न में से कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो निम्न में से कौन है भैया सरलतम हाइड्रोकार्बन? मीथेन हो जाएगा। ठीक है, मीथेन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है भैया? 7। ठीक है, अगला देखो क्या, एक कोशिकीय जंतु है, इसमें कौन एक कोशिकीय जंतु है बताइए? तो अमीबा। कौन है बाबू? अमीबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य में मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के जो मुख गुहा होता है
उसमें कितने जोड़ेदार ग्रंथियां पाई जाती है, तो तीन जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसके द्वारा, तो अंडाशय के द्वारा। किसके द्वारा, अंडाशय द्वारा। मस्तिष्क का उत्तरदायी है किसके लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, या फिर सभी। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। हैड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो जो हैड्रा होता है ना उसमें बताइए प्रजनन किस विधि से होगा, तो मुकुलन विधि से होता है। कौन से विधि से, मुकुलन विधि से होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए जो होता है ना, डीएनए कहाँ पाया जाएगा भाई, केंद्रक में, कोशिका में, या कोशिका द्रव में, तो सभी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, ये प्रस्तुत वाली बात है भैया, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो बताओ क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका जॉनसन ने, किसने किया था, जॉनसन ने। ठीक है, नेक्स्ट है अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। अनुवांशिकी शब्द है हमारा, उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो ये प्रतिपादन किया था किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है आपका, हवा होगा, प्रकाश होगा, सूर्य होगा, या वृद्धि होगा, विद्युत होगा। प्रमुख स्रोत का आपको नाम बताना है, तो प्रमुख स्रोत हो जाएगा आपका सूर्य हो जाएगा ना, सूर्य। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम लोग 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, साफ जल, गंदा जल, खारा जल, मृदु जल, तो ये साफ जल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में से नवीकरणीय संसाधन कौन है आपका, कोयला है, पेट्रोलियम है, वन है, या फिर प्राकृतिक गैस है, तो निम्न में से नवीकरणीय संसाधन आपको बताना है, तो नवीकरण संसाधन हो जाएगा आपका वन हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। वन्य प्राणियों के लिए विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है, जल की कमी, बांधों का निर्माण, निर्वनीकरण, या फिर वायु प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना है। चैनल पे यदि पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सब्जेक्टिव मॉडल सेट का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।